वेलकम एवरीवन। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया है, दैट वाज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री मैंने दोनों एक साथ ही सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा दोनों एक साथ क्यों सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज वो ईजी है। ठीक है, दोनों एक साथ कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो देखो जो पहला इक्वेशन है ना, जो पहला वाला इक्वेशन, ठीक है, या फिर जो दूसरा वाला जो भी इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा का बोला है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, मंजे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालूंगा, मतलब वो डेल्टा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और वही वैल्यू को मैं देखूंगा क्या ये ज़ीरो के बराबर है, क्या ये ज़ीरो से ज़्यादा है या ये ज़ीरो से कम है। अगर बराबर ज़ीरो है तो रियल एंड इक्वल उसके रूट्स हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला है। ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर टू में कहां तक सॉल्व करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थ्री में कहां तक सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला सम। ठीक है, द वेरी फर्स्ट सम विच इज क्या है, 2y² - 5y + 10 = 0। ठीक है, ऐसा है हमारा पहला इक्वेशन, और हमको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब आपको सबसे पहला काम क्या रहेगा, योर फर्स्ट वर्क इज टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ AX विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से ही कंपेयर करना है। तो इधर लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड, या फिर कंपेयरिंग विथ AX² + BX + C = 0। ठीक है, सबसे पहला काम। उसके बाद देयरफोर a की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है 10। ठीक है, अभी किसका वैल्यू निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, B² - 4AC है। सही है, ठीक है, अच्छा b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -5 है, तो -5² - 4 × a का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, और c का जो वैल्यू है ये कितना है, 10 है। तो इधर लिख लिया सब। ठीक है, कोई भी माइनस हो, माइनस में अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 25, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 10 = 80। बराबर है, ये फिर ऐसे भी कर सकते हो, 10 × 2 = 20 एंड 24 × 80 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, 80 में से 25 को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 25 में से 80 को माइनस करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, 25 में से 80 को माइनस करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, सिंपल है। बराबर, अगर नहीं आता है तो आप ये वाला भी तरीका इस्तेमाल कर लो, इजी पड़ेगा, है कि नहीं, गलत नहीं होगा। ऐसे माइनस कर लो तो ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 10 हो गया, ये 5 और 7 - 2 = 5। ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा, ठीक है, ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, बड़ा वाला नंबर क्या है, बड़ा वाला नंबर 80 है ना, -80, तो आंसर किस में आया, माइनस में आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन लिख सकता हूँ कि देयरफोर जो भी मेरा डेल्टा का वैल्यू आया, ये क्या है, 0 से कम है, इट इज़ लेस देन 0। ठीक है, मेरा कंक्लूजन क्या बना इसको सॉल्व करके, कि ये लेस देन 0 है। बट देखो, पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन नंबर टू है उसको सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में जितने इक्वेशंस दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व टिल हियर ओनली, ये एंड पॉइंट है, खत्म हो गया, ये बस इतना ही करना था। क्या बोला था उसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, लो फाइंड कर लिया ना, -55, खत्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में दो स्टेप और बढ़ जाते हैं। क्या आपका कंक्लूजन क्या रहा इसको सॉल्व करने के बाद, तो मेरा कंक्लूजन तो यही रहा कि ये जीरो से भैया कम है। ठीक है, तो जब कभी भी जीरो से कम है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, राइट। ठीक है, जीरो से कम है ना,
ठीक है, पहला वाला क्या था, अगर जीरो के बराबर है तो रियल एंड इक्वल जीरो से ज़्यादा है, मतलब अगर पॉजिटिव में नंबर आएगा तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, और अगर नेगेटिव में आएगा तब क्या होगा, अगर नेगेटिव में आया तो फिर हम लोग बोलेंगे नॉट रियल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ द रूट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ तक सॉल्व करना है, टिल हियर बराबर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला इक्वेशन नहीं करा, तो मैंने जानबूझ के यही वाला इक्वेशन ले लिया, रूट वाला, क्योंकि बहुत डाउट रहते हैं ना रूट वाले सम्स में इसके लिए, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन नंबर टू, सो जो क्वेश्चन नंबर टू है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रूट टू